हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड वो जैटी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे आपको फिल्म लगानी है, जैसे अपना शीशा होता है तो उसके ऊपर जो फिल्म लगानी है तो वो किस हिसाब से लगानी है, आपको कितने वो फुट पड़ती है उसके बारे में बताऊँगा आपको। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप, सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आपको जो फिल्म लगानी है, जैसे टफन ग्लास होता है, तो उसे फिल्म किस तरीके से लगाते हैं, मेरे जो सब्सक्राइब आए थे उन्होंने बोला था कि आप इस तरीके की वीडियो बनाओ जैसे हमें ग्लास लगाने का जैसे कॉन्टैक्ट मिल जाता है तो हम उस पर फिल्म किस तरीके से लगाएं, ग्लास का जो होता है जो फिल्म लगाने का तरीका वो हमें दिखाएं। तो जैसे आप पूरे घर का अगर कॉन्टैक्ट लेते हैं तो उसको फिल्म लगाने का भी, अगर आपका फ़ैन लगाने का जैसा भी आपको कॉन्टैक्ट मिलता है पूरे घर का तो उसमें सारा इंटीरियर आ जाता है, तो उसमें आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और आप जैसे आपका ग्लास वाला नहीं है तो आप भी लगा सकते हैं, अगर आप कारपेंटर हैं तो उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो तरीका लगाने का, सबसे पहले आपको ये गिलास धोना होता है सादा पानी से और इसको साफ़ करना होता है, डस्ट जो होती है वो साफ़ हो जाएगा और जैसे हमारे निशान लगाते टाइम पे जैसे निशान आ रहे थे वो भी हमारे साफ़ होने चाहिए। जो हमारा फिल्म लगाते टाइम पे निशान दिखने नहीं चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए। जो हमारा फिल्म लगने के टाइम पे जैसे हमारा प्लान यानी कि जो प्लान होता है वो साफ़ तरीके से हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। पानी लेकर सादा पानी ही लगाना आपको, इसमें कोई दूसरा पानी नहीं लगाना आपको, कुछ इसमें मिलाना नहीं है। और आपको जो फिल्म लगानी है इस पर इस तरीके से पानी आती है बैक साइड में, जो हमारी गम होती है उस साइड, तो उस साइड हटाने के बाद आप उस पर भी पानी लगाना पड़ेगा आपको। आपको पानी लगा के आप इस पर लगा सकते हैं, आपको फिल्म के ऊपर भी पानी लगाना और अपना शीशे के ऊपर भी। इस तरीके से फुहारे से आप पानी लगा सकते हैं। ये जो फुहारा आपको हार्डवेयर की दुकान से आसानी से मिल जाता है, 100-150 रुपये का आता है, आप इसको इस तरीके से लेकर लगा सकते हैं पानी। उसके बाद आपको गिलास पर पानी लगाना है जहाँ पर ये अपना लगना है। तो आपको लग रहा होगा इसमें पानी लगा दिया, इसकी जो गम होती है वो चिपकेगी नहीं। इसके जो गम होती है पानी लगने के बाद भी स्ट्रॉन्ग अच्छी हो जाती है, यानी कि इसकी जो पकड़ होती है वो बढ़िया हो जाती है, आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जैसे लगाते हैं, आपके मन में ये होगा कि डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप इसको। डायरेक्ट लगाते हैं तो आप इसको सरका नहीं सकते, जहाँ पर भी लगाओगे आप वहाँ पर ये अपनी पकड़ कर लेता, चिपक जाता है, फिर ये हटता नहीं है, छोड़ता नहीं है। पानी लगाने के बाद आप इसको सरका सकते हैं, जैसे आपको जैसा साइड में जैसा करना भी, जैसा भी आपको इसको मिलाना है उस तरीके से मिला सकते हैं पानी लगा होगा तो। अगर वैसे डायरेक्ट लगाते हैं तो वैसे नहीं मिला सकते, जैसे आपको मिलाना है इस तरीके से मिला सकते हैं। और इसका जो साइज़ आता है 4 फुट चौड़ाई आती है और इसकी जो लंबाई होती है 30 फुट या 35 फुट, जो भी अपना रोल आता है उस तरीके से आता है, और इसकी जो चौड़ाई है 4 फुट आती है। तो आपको जो मार्केट से ये मिल जाएगा, जैसे आप मार्केट से खरीदते हो तो 17-18 रुपये 15 रुपये फुट इस तरीके से आता है। उसकी जो लगाने की जो कॉस्ट पड़ती है, जैसे आपको उसको लगाना है तो ये 30 रुपये फुट या 35 रुपये फुट इस तरीके से एवरेज आती है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं गिलास में। आपका जैसे किचन, जैसे आपका पार्टीशन हो गया, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, जैसे आपका गेट हो गया, जैसे आपका पार्टीशन हो गया, वहाँ पे इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो लगाना होता है 3D होता है, लगने के बाद हमारी जो शीशे की या डिज़ाइन अच्छा लगता है देखने के बाद, जैसे देखते हैं तो डिज़ाइन अच्छा बन जाता है, इसलिए लगता है। इसमें कुछ भी डिज़ाइन आप बना के लगा सकते हैं और जहाँ पे भी आपको लगाना है इस तरीके से लगा सकते हैं। हमारा अंदर का बाहर नहीं दिखे इसलिए लगाना होता है। तो इसमें हमारा जो हमारा तरीका होता है इस तरीके से लगाना होता है। हमें इसका पानी इस तरीके से निकल जाता है, पानी निकलने के बाद इसकी पकड़ हो जाती है, चिपक जाता है बढ़िया। अपने पहले मिला लें, मिलाने के बाद आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइब आए थे तो उन्होंने बोला था जैसे हमें पाउडर पूरा मिलता है, तो जैसे ये अपना वाइफर आता है इस तरीके का, ये आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। तो हमें जो इसका लगाने का जो तरीका होता है, जैसे हमारा इसका हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जैसे, तो हम किसको फिल्म जो हमें लगानी होती है तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अपना गिलास लगाने का आपको मिल गया, इंटीरियर जो पूरे घर का काम होता है तो उसमें सारा काम आ जाता है आपका। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे अपना शीशा लगाया, शीशे के ऊपर आपको फिल्म लगानी तो फिल्म भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास शीशे वाला नहीं तो आप कारपेंटर, तो इस तरीके से लगाना है आपको। जैसे अपना सनमाइका लगाते हैं वैसे ये लगता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से आप लगा सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, उसको थोड़े टाइम में आप लगा सकते हैं, टाइम की बचत भी रहेगी आपकी और कम टाइम में समय में लग जाता है। ये हमारा किचन है, किचन के जो हमारा गिलास है एल शेप में लगा हुआ है, जैसे हमारा एक दूसरी साइड में गिलास लगा हुआ आप देख सकते हैं सामने, और ये अपना दूसरा गिलास है।
इसका जो जॉइंट मिलाना होता है, जैसे हमें जॉइंट आ जाता है जहाँ पे, तो उसको किस तरीके से मिलाते हैं? जैसे आपका डिज़ाइन होता है जॉइंट का, जैसे थ्री ये अपना फिल्म का जो डिज़ाइन होता है, तो उसका डिज़ाइन हमें, जैसे डिज़ाइन आता है, जैसे प्लान भी होती है, वैसे इसमें लाखों डिज़ाइन होते हैं, जैसा मर्जी आपको डिज़ाइन लगाना, सबके रेट अलग अलग होते हैं। तो आपको जो लगाना जॉइंट, तो आपको जॉइंट इस तरीके से लगाना, जो हमारा पीस ऊपर का होता है, जैसे हमारा 12 इंची हो गया, तो 12 इंची में आपको इसको एक्स्ट्रा जॉइंट का पीस लेना होता है, आप इसको 18 इंची 15 इंची इस तरीके से ले सकते हैं। हमारा जो इसमें डिब्बी का साइज़ है, जो डिब्बी का डिज़ाइन है, वो हमारा मिल के आना चाहिए। अगर आपका फूल का आ जाता है, फ्लावर आ जाता है, तो उसको फ्लावर के हिसाब से, आप डिज़ाइन के हिसाब से इसको ले सकते हैं जॉइंट जो अपना होता है। तो उस तरीके से आपको मिलाना होता है इसमें, जैसे हमारा जॉइंट यानी कि मिलना भी चाहिए और हमारा अच्छा भी लगना चाहिए। जॉइंट हमारा प्रॉपर इस तरीके से मिलना चाहिए, जो हमें देखें तो हमें एक ही पीस नज़र आना चाहिए, इसमें जॉइंट नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपको मिलाना होता है, आपको इस एक्स्ट्रा से साइज़ लेना, इसलिए लेना, मैं इसका दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। जो साइज़ हमें एक्स्ट्रा इसलिए लेना होता है, जैसे हमें जॉइंट मिलाना होता है, तो हमारा वो आसानी से मिल जाए। जो हमारा फ्लावर का आ जाता है, जैसे हमारा डिब्बी का साइज़, जो भी डिज़ाइन आपका आ जाता है, जैसे आपका फिल्म में, तो उस तरीके से आपका मिलना चाहिए वो डिज़ाइन। उस तरीके से आपको एक्स्ट्रा पीस लेना होता है, जैसे आपका जॉइंट आता है, तो वो जॉइंट हमारा दिखना नहीं चाहिए, जो हम फ्रंट से देखें, जैसे भी हम देखें इसको सामने से देखते हैं, तो हमारा जॉइंट नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे हमारा एक ही पीस लगा। तो जॉइंट इसलिए लगाना होता है, जैसे आपको एक्स्ट्रा पीस जो लगाना होता है, तो जॉइंट जो लगाना होता है, तो जॉइंट में एक्स्ट्रा पीस इसलिए लेना है, जैसे आपको जॉइंट प्रॉपर मिलना चाहिए। तो पानी जो लगाने का तरीका है, ये इसलिए है तरीका, इसमें कोई ज़्यादा बोर नहीं है, आप इसमें जो पानी लगाते हैं, तो पानी से आपका प्रॉपर चिपकता है, इससे हमारा जो पकड़ होती है उसकी अच्छी भी हो जाती है, हमारी जो लगाते हैं फिल्म, तो इसलिए पानी लगाना होता है। तो इस तरीके से आप इसको जॉइंट जैसा भी आपको मिलाना है, तो देख सकते हैं आप, इसमें हमने जो पानी लगाया, तो हमारे ये इधर उधर हमें सरकाना पड़ रहा था, हमारा आसानी से वो सरक गया। अगर हम डायरेक्ट लगा देते, वो हमारा आगे पीछे नहीं होता। तो हमें ये डिज़ाइन मिलाना है, डिज़ाइन मिलाने के बाद ये अपना जो डिज़ाइन आता है, उस तरीके से जैसे डिब्बी का हमारा डिज़ाइन है इसमें, तो हमारा डिज़ाइन मिल के आना चाहिए, और हमारा जो कटिंग होगा, तो हमारा जॉइंट जो होता है, मैं जैसे डिब्बी का साइज़ जैसे भी होता है अपना, उसी तरीके से फ्लावर का हो गया, आपको उस तरीके से मिलाना होता है, अपना एक्स्ट्रा पीस इस तरीके से लेना, आपको जो जॉइंट आता है उसका जो डिज़ाइन है वो आपका मिलना चाहिए, आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा पीस लेना होता है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। पूरी साइड का कॉन्टैक्ट इसी तरीके से होता है, जैसे इंटीरियर काम होता है, तो इसी तरीके से होता है, गिलास का भी काम मिलता है, सभी काम मिलते हैं जी। अपना इलेक्ट्रिशियन का हो गया, गिलास का हो गया, ग्रिल का हो गया, आपका जो भी काम होता है इंटीरियर में सारे काम आते हैं, पत्थर का हो गया, टाइल्स का हो गया, सारे काम जो होते हैं वो इसी तरीके से पेंटर का हो गया। तो आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके इस तरीके से आप काम करते हो, जैसे आपको ज़रूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको शीशे वाला हर जगह अवेलेबल मिल जाए, आपको ज़रूरत पड़ जाती है, शीशे वाले पास टाइम नहीं, तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे शीशे वाला नहीं मिलता, शीशे ये ज़रूरी नहीं है कि शीशे वाले ही लगाएगा, जैसे आप पेंटर का, अगर आपका पूरा इंटीरियर का काम अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरी साइड का ले रखा, तो आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पे, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे इस वीडियो का, जैसे अपना गिलास में जो सुराख करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसे आपको सुराख करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो सुराख उसमें किस तरीके से कर सकते हैं आप, और उसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आपका टफन गिलास हो गया, टफन गिलास को जैसे आपको डेकोरेशन, जैसे आपको कहीं पर उसके टुकड़े बनाने हैं, पीसेस बनाते हैं, छोटे छोटे पीस, जैसे हम टेबल में लगाते हैं, जैसे हमें सेंटर टेबल हो गई, या अपना डेकोरेशन में कहीं पर भी हम पीस लगाते हैं, तो उसके टुकड़े किस तरीके से करते हैं, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अपना सुराख करने का भी, जो आप सुराख कर सकते हैं आसानी से। तो अपना दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी तरीके की, इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको, नई नई वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।